हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें दो क्वेश्चन हैं, इस क्लास में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी चतुर्थांश में या किस एक्स पे माइनस के 2.4, 3.-1, -1.0, 1.2 और माइनस के 3.-5 स्थित हैं। कार्तीय तल पे इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर की स्थापना आपको स्थापित करना है। ये कौन से एक्स पे हैं, कौन से चतुर्थांश में हैं और कहाँ पे ये बिंदु है, ये आपको कार्टेशियन प्लेन में आपको दर्शाना है। तो चलिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये कार्टेशियन प्लेन हमने पहले ही बना रखा है, आपको इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वो वाई एक्स होगी और जो क्षैतिज लाइन होगी वो एक्स एक्स लाइन होगी इस प्रकार से, और जहां पे दोनों काटेंगे वो मूल बिंदु होगा जिसको अपन O से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स की तरफ प्लस का, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव का, वाई की तरफ प्लस का, वाई डैश की तरफ नेगेटिव का आपको मान लेना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आपको साइड में ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं को इनमें कार्टेशियन प्लेन में अपन प्रदर्शित करेंगे, तो देखिएगा किस प्रकार से रहेगा। अपन इन बिंदुओं के नाम भी दे देंगे, यहां से बिंदुओं के नाम इसको ए दे देंगे, बी, सी, इनका नाम सी रहेगा, इसका नाम डी रहेगा, इसका नाम ई रहेगा, इसको सी दिया है, ठीक है। अब इनको अपन को प्रदर्शित करना है, साथ में चतुर्थांश भी बताना है। तो ए बिंदु के निर्देशांक है माइनस के 2.4, पहले एक्स का मान लिखा जाता है, इसके बाद में वाई का। एक्स का मान माइनस के 2 और प्लस का मान कितना है, 4 है। तो कौन से चतुर्थांश में है, पहले तो इसको प्रदर्शित करेंगे फिर इनको बता देंगे कौन से चतुर्थांश में है। तो माइनस के 2.4, माइनस के 2, एक्स का मान ये रहा और 4, इस प्रकार से मैं एक लाइन खींचू इसकी डैश डैश से, यहां से डैश डैश से लाइन खींचू माइनस के 2, थोड़ी सी हो सकती है टेढ़ी, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगा, ग्राफ होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। इस प्रकार से आपने एक लाइन खींच दी, इधर भी आपने एक लाइन खींच दी, जहां पे ये काटेगा वो कौन सा बिंदु होगा, ए, पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, माइनस के 2.4, और ये कौन से चतुर्थांश में है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश में है। इज दैट क्लियर। इसके बाद में बी बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक है 3.-1, एक्स का मान 3 है और वाई का मान -1 है, तो 3 तो यहां पे रहा, इस पे अपन जाएंगे और वाई की तरफ -1 है, तो यहां से इसको मिला देंगे, तो ये यहां पे आके मिलेगा और ये बिंदु आपका होगा B। B के निर्देशांक हैं 3.-1 और ये कौन से चतुर्थांश में है, ये आपके चौथे चतुर्थांश में है। बिंदु C दे रखा है -1.0, यानी x का मान -1 है लेकिन y का मान 0 है, और y का मान 0 कहां पे होता है, x x पे होता है, तो ये आपके पास में बिंदु आ गया और इस बिंदु C, इसके बिंदु सी और सी के निर्देशांक माइनस के 1.0 है, माइनस के 1.0 है। इसके बाद में बिंदु डी के निर्देशांक दे रखें 1.2, एक्स का मान 1 है और वाई का मान कितना है, 2 है, तो एक्स का मान 1, यहां से इस प्रकार से एक लाइन आएगी ऐसे, और यहां से इस प्रकार से, और ये जहां पे काटेगी वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी के निर्देशांक क्या है, 1.2 है, और ये कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है। ई के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -3.-5, एक्स का मान -3 है और वाई का मान -5 है, तो यहाँ से -3 की लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से लाइन आएगी और इधर वाई के सामने रिजल्ट रहेगा -5, और ये बिंदु हो गया आपका ई बिंदु, और ई बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3.-5, और ये कौन से चतुर्थांश में है, ये आपके तीसरे चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करना है। अब बच्चों का सवाल रहेगा कि बिंदु सी कौन से चतुर्थांश में है, आपने ये चारों के तो बता दिए सर जी, लेकिन बिंदु सी का नहीं बताया, तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में, किसी भी चतुर्थांश में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्स एक्स पे आ रहा है,
एक्स एक्स पे आ रहा है, और वो भी कौन सी दिशा में आ रहा है? ऋणात्मक दिशा में आ रहा है। तो बिंदु सी को आप क्या लिख सकते हैं? बिंदु सी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऋणात्मक या ऋण एक्स एक्स पे है। बिंदु यहां से लिखेंगे बिंदु बिंदु सी ऋण या ऋणात्मक, एक ही बात है, ऋण या ऋणात्मक एक्स एक्स पर स्थित है, एक्स एक्स पे स्थित है। ये आपको बताना है कि बिंदु सी ऋण एक्स एक्स पे स्थित है। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के क्या समझ में आया? कमेंट करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चलिएगा इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक्सों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेखे, एकक यानी उपयुक्त एकक का मतलब एक माप लेके नीचे सारणी में दिए हुए बिंदुओं को एक तल पे आलेखित करने, आलेखित करने का मतलब होता है प्रदर्शित करना है। आपको एक्स का रिजल्ट दे रखा है, ऊपर की तरफ वाई का रिजल्ट दे रखा है। इसमें हमें वही कार्टेशियन प्लेन यूज करेंगे, तो अपन एक नया कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, सुंदर सा बनाना है, और आपके पास ग्राफ पेज भी होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ी सी मेहनत करके बनाया है, न तो मेरे पास स्केल है, मैं हाथ से लाइन खींच रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सुंदर सुंदर, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ाई भी कर दिया करो। तो इसमें आपके बिंदु O सेंटर पॉइंट हो गया, इधर एक्स का मान, इधर एक्स डैश का मान, ऊपर वाई का मान, नीचे वाई डैश का मान है। अब आप देखेंगे, पहला कॉलम देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक्स का मान -2 और वाई का मान कितना है? 8 है। तो वाई का मान 8 और एक्स का मान -2, ये देख लो, यहां से लाइन आएगी, शायद इस प्रकार से लाइन आ जाएगी, आपको इस पे प्रदर्शित करना है, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो गया? इसको आप बिंदु P दे दें, और P के निर्देशांक होंगे -2.8, कितने हो जाएंगे? -2.8 हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा देखेंगे, -1.7 है, -1.7 है, तो माइनस की लाइन खींचेंगे यहां से इस प्रकार से, उसी चतुर्थांश में आ रहा है माइनस के, ठीक है, इधर ये जाएगा। तो ये बिंदु हो गया, और ये बिंदु Q हो गया, Q के निर्देशांक है -1.7। दूसरा देखेंगे 0, x का मान तो 0 है, y का मान ऋणात्मक है, और 1.25 है, 1.25 है, तो एक से कुछ बड़ा, एक से कुछ बड़ा तो यहां पे आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं क्या? बिंदु पी क्यू आर दे दो इसको, आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? आर के निर्देशांक हो जाएंगे 0.-1.25, 1.25 हो जाएगा, 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है पी क्यू आर एस बिंदु ले लें, नेक्स्ट के निर्देशांक है x 1.3, x का मान 1 है, वो भी प्लस का, y का मान 3 है, वो भी किसका है? प्लस का है। तो इस प्रकार से लाइन खींचो, यहां से थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, इस प्रकार से आपकी लाइन आ जाएगी यहां से, और ये इस प्रकार से इसको काटेगा, और ये बिंदु पी क्यू आर एस बिंदु ले लिया जिसके निर्देशांक है 1.3। पर इसके बाद में नेक्स्ट है 3.-1, एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है? -1 है। तो ये बिंदु आ जाएगा, इधर आर के निर्देशांक में इरेज करके इस साइड में लिख दूं, आर के निर्देशांक थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं बिंदु आर को इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं भी प्यारे विद्यार्थियों। ये बिंदु आर हो गया जिसके निर्देशांक 0.-1.25 है। अब 3, एक्स का मान 3 है, वाई का मान -1 है, तो यहां से लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, डैश डैश लाइन जाएगी, और इधर से 3 की तरफ से लाइन आएगी, तो ये बिंदु हो जाएगा टी बिंदु, इसके निर्देशांक हैं 3.-1। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में आपको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बचते हैं एग्जाम्पल, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में चौथा चैप्टर उठा लेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।